थाना धान मंडी में राज्य सरकार द्वारा 2% टैक्स लगाने के विरोध में व्यापारियों ने कृषि जिन सरसों गेहूँ तारामीरा चना की बोली बंद कर सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट किया। लगभग 15 दिनों से व्यापारियों ने कृषि जिन्सों की बोली बंद कर सरकार से 2% टैक्स वापस लेने की मांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यापारियों को आश्वासन मिलने के बाद आज धान मंडी में बोली शुरू हुई। व्यापार मंडल घटसाना के अध्यक्ष मंगत अग्रवाल ने बताया कि सरकार के 2% टैक्स लगाने से व्यापारी वर्ग की बोली बंद से किसान व व्यापारी वर्ग काफी परेशान था। सरकार के आश्वासन मिलने के बाद बोली शुरू हुई है। कृषि जिन्सों के भाव भी ऊंचे हैं। मंडी के व्यापारियों में खुशी की लहर। मंगत अग्रवाल जी, अध्यक्ष साहब, आप ये बताइए कि आज बोली शुरू हुई है, किन शर्तों पर बोली शुरू हुई है? ये सरकार का जो आदेश था कि एक और मंडी खोलो और बोली शुरू करो, और उसके बाद जो भी है अपने बैठ के निर्णय कर लेंगे। और ये सरकार का एक धोखाधड़ी का वो है, धोखा किया है सरकार ने। 15 दिन से मंडियाँ बंद थी, जमींदार और व्यापारी परेशान हो रहे हैं, और ये जमींदारों के साथ धोखा है, किसानों के साथ सरकार का। 15 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई, ना व्यापारियों की, ना कोई काश्तकारों की, जमींदारों की कोई सुनवाई नहीं करी। अब कौन सी सुनवाई हुई है जो आज बोली शुरू की है? अब तो किसान परेशान हो रहे थे 15 दिन से, और सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि आप मंडियाँ खोलो और आपका जो भी है समझौता कर लेंगे इस निर्णय पे लेके, और मंडियाँ खोली। समझौते का कोई समय सीमा? कोई समय तो उन्होंने कहा कि ये मंडियाँ खोलो और 2 दिन बाद ही समझौता हो जाएगा, उन्होंने यही आश्वासन दिया।